तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमोस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने घर में तुलसी जी तो लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसको किस पात्र में लगाएं। आइए हम इस कथा को सुनकर समझते हैं कि हमें तुलसी को अपने घर में किस पात्र में लगाना चाहिए और हर पात्र का अलग ही फल मिलता है। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं और कथा को अंत तक सुने। अंत में आपको मैं कथा का सार बताऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे तुलसी को अपने घर में लगाते हैं। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है। गोल कुंडा है, ऐश्वर्य देगा। चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यही तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यही शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, सात तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, तीन कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो तीन कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। पांचवा, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई स्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। पांचवा, महाराज छठा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं
बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताओ। तुलसी का 7वां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें। हमने कथा को सुना और समझा। गुरु जी ने इस कथा में 7 तरह से तुलसी जी को लगाने का व्याख्यान किया है। 7 तरह के कुंड तुलसी जी को लगाने के लिए बताए हैं। पहला होता है गोल कुंड। गोल कुंड को लगाने से हमारे घर में ऐश्वर्य बढ़ता है। दूसरा होता है चौकोर कुंड। चौकोर कुंड को लगाने से हमारे घर का वंश बढ़ता है। तीसरा होता है ट्रायंगल तिकोना कुंड। तिकोने कुंड को लगाने से जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब एक तरफ कोई दूसरी तरफ जा रहा है, वहां पर इस कुंड को लगाने से परिवार में एकता बनी रहती है और सब साथ मिलकर रहते हैं। चौथा होता है षट आकृति का कुंड। ऐसे कुंड को लगाने से हमारे घर में संपदा बढ़ती है, धन का वास होता है। और पांचवा होता है लटका हुआ कुंड। जहाँ पर हम, आपने देखा होगा बहुत से लोग तुलसा जी को लटका कर रखते हैं, 3 जंजीर से बांधकर या किसी रस्सी से बांधकर तुलसा जी को लटका देते हैं। उस तरह के कुंड में, जब हम घर में उस तरह का कुंड रखते हैं, तब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको लगता तो है कि हमें सफलता मिल रही है, लेकिन अंत में आकर आपको सफलता नहीं मिलती। गुरु जी ने कथा में बताया ही है कि जैसे आपके सामने थाली परोसी हुई रखी हो और आप बस खाने ही जा रहे हो और थाली को हटा लिया जाए। और आखिरी में 6ठा होता है, जहां पर आपने तुलसा जी तो बहुत सारी लगा रखी है लेकिन कोई भी कुंड नहीं है, वहां पर धन संपदा तो बहुत बढ़ती है लेकिन टेंशन बहुत बनी रहती है, मानसिक टेंशन बराबर लगातार बनी रहती है। 7वां होता है वह कुंड, जो कुंड आपने बाहर लगा रखा है वैसा ही छोटा कुंड मंदिर में लाकर रखें और रोज उसकी पूजा करें, और उसके बाद फिर आप बाहर के साइड जहाँ पे आप तुलसा जी लगाते हैं वहां पर आप रख दीजिए। इस प्रकार के कुंडों का व्याख्यान कथा में किया गया है। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।